के कुछ दिन बाद ही अपने ससुराल से सोने चांदी के जेवरात सहित 50,000 नकदी रकम चुराकर प्रेमी के संग भागने वाली नवविवाहिता के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से आहत युवक व उसके परिवार ने एसपी से शिकायत की है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने अपने पुत्र का विवाह आईबीपी चौक लोतलोता निवासी लक्ष्मी यादव से की थी, जो उन्हें धोखा देकर शादी के जेवरात व पैसों की चोरी कर फरार हो गई है, जिसकी शिकायत मानिकपुर चौकी में की गई, लेकिन 3 माह बीतने के बाद कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। मानिकपुर चौकी क्षेत्र के शारदा विहार अटल आवास में रहने वाला कांति यादव का पूरा परिवार पिछले 3 माह से भारी तनाव में जीने को मजबूर है। शादी के कुछ दिन बाद ही घर की बहू सोने चांदी के जेवरात सहित 50,000 रुपये नकदी रकम लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस चौकी में की गई, लेकिन पुलिस द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रार्थिया कांति यादव ने अपने मंझले पुत्र चंद्रभुवन का विवाह आईबीपी चौक लोतलोता निवासी संतोषी यादव से की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही 12 फरवरी को बहू अपने प्रेमी के साथ पैसे और जेवरात लेकर फरार हो गई। लड़की के मायके में फोन करने पर उसके पिता द्वारा तरह तरह की धमकियां दी जा रही है। मानिकपुर पुलिस द्वारा भी इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही, लेकिन एसपी से शिकायत की गई है। बीपी भाग गया है घर से 12 तारीख को फरवरी में, तो वही शिकायत लेके आया हूँ, तो कार्रवाई कर नहीं रहे। मानिकपुर कर दिया हूँ तो 5 महीना हो गया, फिर एस पी भी आया हूँ, आवेदन दिए हैं, घर से लेके भागे हैं 50,000 और फिर गहना पहने हैं सोना के, चांदी का पायल चूड़ी और जितना खर्चा है उतना धोखे शादी किए हैं। मेरे सास ससुर लोग जानबूझ के, जान बचपन की उनका प्यार है, धोखे में क्यों रखा गया, लेकिन साफ चाहिए मेरे को, इसलिए मैं आया हूँ। कांति यादव के परिवार का आरोप है कि लड़की के पिता को जब पता था कि उसकी पुत्री का प्रेम प्रसंग किसी और से चल रहा था, तो क्यों उसके पुत्र से विवाह किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर कांति यादव ने बैंक से 50,000 रुपये लोन लेकर पुत्र का विवाह किया था, लिहाजा उसे अब चिंता सताने लगी है कि बैंक का कर्ज वह कैसे चुकाएगा। एसीएन न्यूज के लिए इमानुएल तांडे के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।